जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यदि आपने नहीं दिया है और आप अपना बीएड करना चाहते हैं 2021 में, तो फिर आपको एडमिशन कहां पर लेना चाहिए और कहां पर नहीं लेना चाहिए। यानी कि डायरेक्ट एडमिशन आप यदि लेने जा रहे हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पर आपको एडमिशन लेना है और कहां पर एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन को लेकर गलती कर देते हैं और उनको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो पूरी डिटेल में मैं आपको वालों कहां पर एडमिशन लेना है, कहां पर नहीं लेना है, कितनी फीस होती है और कहां की बीएड आपकी वैलिड होगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है यदि आप भी बीएड करना चाहते हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, बीएड यानी कि बैचलर इन एजुकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपना 2021 में एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाए लेकिन बीएड करना चाहते हैं। तो अब वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहां से हमें बीएड करना चाहिए, कहां से बीएड नहीं करना चाहिए, हमारा एडमिशन किस तरीके से होगा और किस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं अभी उत्तर प्रदेश की, तो जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम नहीं फिल कर पाते हैं और यदि वो किसी दूसरी स्टेट से भी हैं तो भी वो एडमिशन यदि बीएड में लेना चाहते हैं तो दो तरीके से एडमिशन होते हैं। एक तो है कि यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उसमें आप डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं, वहां पर एंट्रेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो यानी कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अब वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं तो यदि आपकी यूनिवर्सिटी बढ़िया है, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप किसी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं जहां पर वो जो यूनिवर्सिटी है वो अच्छी खासी नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम फिर आपको ये आती है कि यूनिवर्सिटी के पास सीट है 100 और उसने एडमिशन 200 कर लिए, 250 कर लिए, 1000 कर लिए, तो अब वहां पर कहीं ना कहीं फिर आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको बीएड करना है तो अपना स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप अपना बीएड करें। एक प्रॉब्लम और भी आती है, जब अपना आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो अपना एनसीटीई का अप्रूवल फाइल लगाई हुई होती है और अपना एडमिशन शुरू कर देते हैं, और किसी कारणवश यदि उनका एनसीटीई का अप्रूवल पास नहीं होता है तो फिर आपका कहीं ना कहीं एक साल खराब हो जाता है, क्योंकि जब तक कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एनसीटीई का अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक वो बीएड नहीं करा सकता, बीएड कराने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपना बीएड करें। अब बात आती है कि सर, यदि हमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो हम स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कैसे बीएड कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं सीसीएस यूनिवर्सिटी की, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज जो है वो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं। अब बच्चों को यहां पर भी कंफ्यूजन होता है कि सर, हम माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक, हम तो जनरल में आते हैं तो फिर हम किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। कैटेगरी कोई भी हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, कोई भी कैटेगरी हो, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनॉरिटी के जो कॉलेज हैं उनके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी अपने रजिस्ट्रेशन ओपन करती है, उसमें वो रजिस्ट्रेशन हमें डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर वहां पर आप अपना फॉर्म फिल करके जो माइनॉरिटी के कॉलेज है वहां पर अपना एग्जाम यानी कि अपना एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि उन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इन कॉलेज में एडमिशन लेने के बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी हैं। पहले हम बात करते हैं कि लॉस क्या है, नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि यदि आप उसके थ्रू नहीं आते, काउंसलिंग के थ्रू नहीं आते हैं, तो वहां पर फिर आपकी यानी कि आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके माइनॉरिटी कॉलेज में, तो वहां पर फिर आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते यदि आपने डायरेक्ट अपना एडमिशन लिया है। पहला आपका नुकसान यही है और आपका एक ही नुकसान है, यही सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। इसके बाद में बाकी बात करें बेनिफिट की, तो बेनिफिट आपका यही है कि यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो आप अपना डायरेक्ट एडमिशन लेके एक साल बचा सकते हैं। आप जब एडमिशन लेते हैं माइनॉरिटी में तो सब सारी चीजें जो प्रॉपर चलती हैं, प्रॉपर जो डिग्री मिलती है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ होता है कि आपने माइनॉरिटी से किया है या एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू किया है, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्हीं के साथ आपके एग्जाम होते हैं, प्रॉपर सब सारी चीजें वही होती हैं, यानी कि पूरी तरीके से फॉलो बाकी चीजें वही होती हैं। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो यही है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
अब बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर हम एडमिशन किस तरीके से लें, एडमिशन के जो माइनॉरिटी के कॉलेज कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं माइनॉरिटी के कॉलेज में, तो उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, तो आप यहां पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप की आपको कोई चार्ज नहीं है। तो मैं आपको या हमारी जो टीम है वो आपको गाइड करेगी कि कहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो इसकी यूनिवर्सिटी की फीस है 51,250, वही फीस रहती है फर्स्ट ईयर की, और सेकंड ईयर की 30,000, यानी कि जो गवर्नमेंट की फीस है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं होता है। तो यदि आपको भी अपना बीएड करना है, डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपकी पूरी तरीके से आपको हेल्प की जाएगी। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। यदि अभी भी आपका बीएड एडमिशन डायरेक्ट को लेकर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप उससे कितने सेटिस्फाई हैं ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।